तो खैर मैं नहीं बताऊंगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने तय किया कि इस लड़ाई में अब मैं आखिर तक बोलूंगा। मुझे कई दोस्तों ने सलाह दी कि अगर तुम चुप रहोगे तो राष्ट्रपति बन जाओगे, चुप रहोगे तो उपराष्ट्रपति बन जाओगे। मैंने कहा मैं इन पदों पे लात मारता हूं। राष्ट्रपति मेरे बड़े सम्मानित हैं, अभी रिटायर होंगे 4 महीने बाद, कुतिया भी रास्ता नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं होते ये पद, इन पदों का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने सवालों के लिए लड़ते नहीं। चौधरी नफे सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार पंचायत श्री ओम प्रकाश जी कंडेला प्रधान कंडेला खाप, श्री महेंद्र डिडाल जी प्रधान माजरा खाप, संरक्षक ईश्वर रेणु गोचर, प्रेस प्रवक्ता, बहुत सारे नाम हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सबको प्रणाम करके छुट्टी पाऊं। भाइयों, ये मैं अपना सम्मान नहीं मानता, जो भी सम्मान या उपाधि आपने मुझे दी है मैं इसको वापस करता हूं उन किसानों के लिए जो पूरा एक साल दिल्ली की सड़कों पर पड़े रहे। और दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि जिसमें चिड़िया ना मारी गई हो और जिसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया हो। मैं जब देखता था अपने लोगों की दुर्गति, उनकी परेशानी, तीनों मौसमों में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, किस तरह सड़क पे पड़े हुए थे, बड़े बड़े चौधरी जिनकी 40-40 गांव में बात चलती है वो दिल्ली की सड़कों पे पड़े थे, और वहां से 10 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री रहता है, उसने जाके उनकी कोई बात नहीं पूछी, जानकारी नहीं करी। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से चिट्ठी जाती है उसके लिए। हमारे 700 लोग मर गए, कोई किसी तरह का संवेदना का खत नहीं गया। जब मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ तो मैंने तय कर लिया कि मैं गवर्नरशिप छोड़ दूंगा और मैं इनके साथ लड़ाई में शरीक होऊंगा। मैं ये बात बताने के लिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे एक दोस्त हैं जो मिनिस्टर हैं इसी सरकार में, उनके पास गया कि साहब मैं तो छोड़ रहा हूं। उसने कहा बेवकूफी मत करना, इनके लिए बोल, इनके लिए लड़, इनके धरने पे बैठ, लेकिन छोड़ना तब जब तुम्हें ये कहे दिल्ली वाले कि छोड़ दो, उससे पहले मत छोड़ना। ठीक है, तो मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि साहब पता नहीं आपको शर्म आती है कि नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आती है कि हम पदों पे बैठे हैं और हमारे पुरखे वहां बैठे हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और मैं कहा उन्हें तुम किसान मत समझो, वो अपनी अपनी जगह के चौधरी हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग 10-10, 20-20 गांव में उनकी पहचान है, तो आप उनसे बात करके इस मामले को निपटाएं, चूंकि वो न्याय की तरफ हैं, हम लोग न्याय की तरफ नहीं हैं। तो खैर मैं नहीं बताऊंगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने तय किया कि इस लड़ाई में अब मैं आखिर तक बोलूंगा। मुझे कई दोस्तों ने सलाह दी कि अगर तुम चुप रहोगे तो राष्ट्रपति बन जाओगे, चुप रहोगे तो उपराष्ट्रपति बन जाओगे। मैंने कहा मैं इन पदों पे लात मारता हूं। राष्ट्रपति मेरे बड़े सम्मानित हैं, अभी रिटायर होंगे 4 महीने बाद, कुतिया भी रास्ता नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं होते ये पद, इन पदों का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने सवालों के लिए लड़ते नहीं हो। चौधरी चरण सिंह जी के साथ मैंने काम किया, वो ये कहते थे कि बेटा तुम्हारे वर्गों के सवाल पे जब कोई बात आए तो कुछ भी छोड़ देना, लेकिन समझौता मत करना। तो मैंने भी तय किया कि नहीं, इसमें मुझे बोलना है, मैं बराबर बोला। और जिस दिन ये कानून वापस हुए उसके तो एक दिन पहले मैंने कहा
कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री ढूंढा नहीं मिलेगा, ये सब गायब हो जाएंगे, किसान इनको भगा देंगे। खैर वो अगले दिन ही उन्होंने उनकी अकल में आई या किसी ने सलाह दी, उन्होंने एक आधा अधूरा सा समझौता कि मैं इनको वापस लेता हूं, हालांकि हमारे अभी भी सवाल वहीं के वहीं हैं और ये आज के सवाल नहीं हैं। चौधरी छोटू राम जी के जमाने से किसान की फसल के दाम का सवाल ऐसा ही खड़ा है। चौधरी साहब मिलने आए थे गवर्नर से, गवर्नर ने कहा कि चौधरी साहब दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है, मुझे गेहूं की जरूरत पड़ेगी। छोटू राम जी ने कहा बहुत अच्छी फसल है, मैं कार से आया हूं लाहौर से, जितना चाहिएगा गेहूं दे देंगे। तो गवर्नर ने कहा मैं 3 रुपए मन पे लूंगा। चौधरी साहब ने कहा कि गेहूं तो ले ले, लेकिन दाम तू नहीं तय करेगा, दाम मैं तय करूंगा और गेहूं मैं 7 रुपए मन पे दूंगा। तो गवर्नर चुप हो गया। चौधरी साहब ने कहा कि गवर्नर ने उनसे कहा कि मैं फौज भेज के मंगवा लूंगा। चौधरी साहब ने कहा कि गलतफहमी में मत रहना, मैं अभी जा रहा हूं लाहौर, कहता हुआ चला जाऊंगा पंजाब और हरियाणा के किसानों को खड़ा खेत फूंक देंगे, एक दाना तुम्हें नहीं देंगे। खैर गवर्नर डरे और उन्होंने उनके जो चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खान उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा अनाड़ी है, वो तो ऐसे ऐसे कह गया। तो सिकंदर हयात खान ने कहा कह नहीं गया, वो कह देगा तो जल ही जाएगा, अगर उसने कह दिया तो किसान खड़ी फसल फूंक देंगे, आपको नहीं देंगे। लेकिन मैं ये बात इसलिए उठाई, एक तो आप भूल रहे हो अपने पुरखों को, चौधरी छोटू राम को, चरण सिंह को और उनसे पहले के भी जो लोग हैं उनको। ये सवाल ऐसा का ऐसा ही है, आज भी हमारी फसल का दाम वो तय करते हैं, हम तय नहीं करते हैं। अब के ये निर्णायक लड़ाई थी कि इसमें MSP लागू हो जाए तो फसल का सही दाम मिलेगा, लेकिन MSP क्यों नहीं लागू हो रही है? प्रधानमंत्री का दोस्त है जिसने 50 एकड़ में गोदाम बना दिया है पानीपत में, ये कानून पास होने से पहले, उसको सस्ता गेहूं चाहिए, वो आपका सस्ता गेहूं लेगा और महंगे में बेचेगा। तो ये है लड़ाई बुनियादी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये धरने देना छोड़ दो, अब सड़कों पे बैठना भी छोड़ दो, इकट्ठा होके अपना राज बना लो, राज बदल दो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। मैं तो ये गवर्नरशिप का मेरा 6 महीने 7 महीने बचा है, इसके खत्म होते ही पूरे उत्तर भारत में घूम के किसानों को कहूंगा कि एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और दिल्ली पे अपना राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। हम मांगते हैं, ये समझते हैं हम भिखमंगे हैं, ये हमें कभी दाम नहीं देते। तो खैर ये बात मैं यहां